शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमता और बख्शिशा करने वाला है। अज दे सत्संग दी शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां ने रल मिल के इस सत्संग दा आयोजन किया है जिन्हां दी वजह नाल अज सानू सारयां नू इस सत्संग च बैठन दा मौका मिलिया है। सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों सारे मैंबरां नू बहुत बहुत बधाई देवांगे मुबारकबाद देवांगे सत्संग करवाने नू क्योंकि जो चंद जीव रल के सत्संग की तैयारी करते हैं सत्संग का टाइम लेंदे हैं तो देखो वो चंद जीवों की वजह नाल किन्नियां नू मौका मिल जाता है। और फिर सत्संग एक ऐसी जगह है एक ऐसा स्थान है कि जो भी प्रेम श्रद्धा के नाल सत्संग च बहिंदा है फिर उन्हें हासिल की हुंदा है उहदे बारे अपने एक कलाम के अंदर साईं बुल्ले शाह बड़ा प्यारा समझाते हैं। सो साईं बुल्ले शाह की समझाते हैं सत्संग के बारे फकीर की सोहबत बारे ये बारे जिक्र करांगे। पर उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां की वजह नाल सानू इस सत्संग च बैठन का मौका मिलिया है आओ सब तो पहला असीं इन्हां सारिआं वास्ते इस नगर वास्ते क्योंकि अज लोधी माजरे च पहुंचे हैं असीं तो इस नगर वास्ते उस मालिक के चरण च अरदास बेनती करिए कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां नू इस नगर नू खुशियां दे नाल रहमतां दे नाल बरकतां दे नाल भरपूर करन आने वाला समा इन्हां सारिआं वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नू देवे इन्हां नू तंदरुस्ती देवे रिजक च बरकतां देण कामयाबी सफलता मालिक देण। और जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है इसी तरह मालिक इन्हां सारिआं नू ताकत दिंदे रहण हिम्मत दिंदे रहण तंदरुस्ती देण इन्हां दे रिजक च बरकतां देण कि हर साल इसी तरह सत्संग करवाते रहन तो सानू भी सारे इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते अरदास करो हो गई अरदास हुण तुहानू पुछ लईए ठीक हो सारे तुसीं खुश हो सारे सुआओ फिर हुण जिद्दां असीं दस्सिया कि बुल्ले शाह ने अपने एक कलाम के अंदर फकीरां दी सोहबत बारे दस्सिया है क्योंकि फकीरां दी सोहबत जिहनूं असीं सत्संग कह दिंदे हां फकीरां दे कोल बैठना कह दिंदे हां कि फकीरां दी सोहबत विच आ के इंसान नूं मिलदा की है हासिल की हुंदा है बुल्ले शाह की दसदे है क्योंकि सब तो पहला तो तुहानू पुछ लईए कि जद भी इंसान सत्संग दे विच चल के आंदा है उहदे अंदर कुछ ना कुछ भावना हुंदी है उह कुछ ना कुछ हासिल करन आंदा है। इसे तरह तुसीं भी कुछ हासिल करने आए हो कि नहीं क्योंकि किसे दी सोच हुंदी आनंद नूं हासिल करना किसे दी सोच हुंदी है कामयाबी नूं हासिल करना सफलता नूं हासिल करना। सो अगर तुसीं भी कुछ ऐसी सोच लैके आए हो और जे प्रेम विश्वास नाल लै आके तुसीं इस सत्संग च बैठे हो तो फिर समझ लैणा कि बुल्ले शाह ने बहुत बड़ा इशारा किया है कि फकीरां दी सोच च की मिलदा है। और जो बुल्ले शाह कह रहे हैं ना कि फकीरां दी सोच च बैठ के आ चीज मिलती है फिर उहदे सामने बाकी चीजां तां सारियां बड़ियां छोटियां हो जांदियां है समझदे हो। ये उसी तरह है जिस तरह कोई इंसान अगर छोटी जी चीज मंगता है फर्ज करो कोई कहता जी मैं 10,000 रुपया चाहिए है हम मंगता 10,000 है पर कोई उन्हें सोने की खान का पता दे दे कि लै भी उसे सोने की खान है तो उन्हें कहना मंगिया तो मैं बड़ा थोड़ा जहा सी पर मिल मैनू बहुत ज्यादा गया। इसी तरह इंसान भी फकीर की सोहबत कई बार छोटी छोटिया ख्वाहिशा छोटी छोटिया चीजा लैन वास्ते आता है पर उन्हें यह नहीं पता कि अगर फकीरां दे वचनां नूं समझ लईए संतां गुरुआं रहबरां दे इशारियां नूं समझ लईए मंगण तां असीं छोटा जिहा आया सी पर मिल सानूं बहुत बड़ा जांदा है जिहदा कोई अंत ही नहीं है क्योंकि दुनिया दे उपर किहड़ी शै है जे तुहानूं पुछिए कि उह किहड़ी चीज़ है जिहदा कोई अंत नहीं है तां तुहाडे अंदरों की आवाज़ आउंदी है किहड़ी चीज़ है जिहदा कोई अंत नहीं है जवाब दिओ सानूं सोच के देखो हर चीज़ दा इक अंत है या नहीं। तुसीं एक वृक्ष देखते हो कि पेड़ देखते हो हुण कई पेड़ 1,000-1,000 साल पुराना है कई 10-10,000 साल पुराने वृक्ष है अमेरिका के अंदर पर वह भी एक दिन वह भी दस दे कि इन्हां दी जड़ां भी हौली 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 कमजोर हो रही है। सो दसना की चाहते हैं कि चाहे चीज हो 10,000 साल पुरानी चाहे हो 10 साल पुरानी पर हर चीज का एक दिन अंत होना है पर एक कोई चीज इदा दी है जिहदा कोई अंत नहीं है और की आवाज आती है तुहाडे अंदरों आवाज की उधर कि चीज जिहदा कोई अंत नहीं है कि चीज आती है एक तो तुसीं जवाब नहीं दिंदे
ਜਾਦੂ ਪੀ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਣਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਹੈ, ਜੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਡਿਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਗਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਸੈੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਿ ਵੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਗਿਓ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਸੰਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਏਲੀਅਨ ਆ ਗਿਆ, ਏਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਦ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਵੇ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਏਲੀਅਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਚੰਦ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੋਲ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ,
क्योंकि सारिया शक्तियां दाता कि बाहर नहीं हो साडे अंदर ही है। सो जिन्हें भी बड़े तो बड़े काम हो बंदा कहता ताजमहल बड़ा खूबसूरत है या बंदा या होर इमारत बंदा देखता ना देख के बंदा कहता है भी इदा हो गया। वो हर चीज नू बनाण वाला इंसान ही है क्योंकि असीं कई बार दसते हाँ कि जो एरोप्लेन नहीं होंगे सी तो पहली बार राइट ब्रदर दो भरावान ने जिन्होंने राइट ब्रदर कहा गया कि उन्होंने जो ये गल कही कि असी इदा का लोहा तैयार करना मशीन तैयार करनी जी बंदे लैके हवा चुड़ेगी तो लोग कहते कभी हो ही नहीं सकता लोहा हवा चुड़े कभी हो सकता लोहा हवा च उदो पर अब तुम देखते हो प्लेन जाता है तो बंदे कोई कोई आश्चर्या होंगे ही नहीं है कोई बंदे हैरानी होंगी नहीं कोई बंदा रोज देखता है पर उस वेले हैरानी की गल सी। सो जेड़े काम नामुमकिन सी वो किने मुमकिन किए इंसान ने क्यों किए क्योंकि जिन्होंने ये जान लिया पहचान लिया कि साढ़े अंदरों शक्ति है कि असी नामुमकिन मुमकिन कर सकते हाँ फिर उन्होंने वास्ते शक्ति जागती भी है। जिहड़े सोच ही लैन इंसान तो हुंदा ही कमजोर है इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता या इंसान अंदर तो कोई शक्ति है ही नहीं फिर कहांगे कि अपने अंदरली शक्ति ते विश्वास करना शुरू करो कि मेरे अंदर एक शक्ति बैठी है जिसने मैनू पैदा किया है। अपने अंदरली शक्ति ते जदों असीं विश्वास करना शुरू कर दिंदे हां तो फिर इंसान असंभव नूं संभव करन वास्ते नामुमकिन नूं मुमकिन करन वास्ते तैयार हो जाता है। जे अपने आप कमजोर ही समझी गए हूँ एक बच्चा या एक नौजवान समझी जाए वो मैं कमजोर मैं 50 किलो का वजन नहीं चक सकता वो कमजोर समझ के बैठा कोशिश ही नहीं करेगा चकन की। जे वो कहे कि नहीं मैं कोशिश करूंगा जावे वजन दे कोल उठाने की कोशिश करे वो नहीं उठिया तो हार ना मने कोई नहीं एक टाइम आएगा मैं प्रैक्टिस करूंगा मेहनत करूंगा अपने आप नूं इन्ना मजबूत बनाऊंगा कि 50 किलो का वजन दो हाथों ना नहीं हिलता एक दिन मैं एक हाथ ना चक्के दिखाऊंगा और ये हो सकता कि नहीं ये जवाब दो सानू और नौजवान कर सकता कि नहीं इधर जिम च जाके देख सकते हो तुसीं हेल्थ क्लब बड़े होंगे है उत्थे इदां दे नौजवान भी है जो एक डबल चकते हैं 30-40 किलो का एक हाथ नाल हूँ जो पहली बार उन्होंने पूछो भाई पहली बार ये 40 किलो चक लिया ये 50 किलो चक लिया उन्होंने नहीं शुरू तो मैं 5 किलो तो किया शुरू तो मैं 2.5 किलो तो किया यानी शुरुआत हमेशा थोड़े तो होंगी है पर इंसान वो थोड़े नू ए ना सोचे मेरी ताकत इन्नी गई है मैं इन्ना नहीं कर सकता नहीं अज मेरी ताकत थोड़ी है पर अगर मैं विश्वास रखा अपने मालिक ते मेहनत करने को तैयार है तो अपनी थोड़ी ताकत नू मैं जिन्ना चाहवा बढ़ा सकता समझते हो कि नहीं पर एदे वास्ते करना किनू पैना है किसने बाहरों आके नहीं ताकत भर देनी कोई एलियन आएगा जिदा दसिया बाहरले ग्रह तो आएगा तो लै भी तेन ताकत ये ताकत साड़ी अंदर ही सुती पई है शक्ति साड़े अंदर ही है पर इंसान है कि मेहनत करने को तैयार नहीं है। एक बच्चा जिन्ना चाहे पढ़ सकता है जिन्नी बड़ी चाहे डिग्री लै सकता है पर जिन्नी बड़ी डिग्री लैनी मेहनत करने वास्ते उन्हें तैयार भी हूँ। अच्छ किसी बच्चे को ना वो IPS कर लै IAS कर ला IAS यानी जो सीधा DC डिप्टी कमिश्नर लगता है IPS जो सीधा SSP हूँ कई बच्चे बड़ी औखी है बड़ी टफ है ये पढ़ाई बड़ी औखी है हूँ यदा मतलब की है पढ़ाई औखी है अगर पढ़ाई औखी हो टफ हो फिर तो कोई बनी ना पावे पर किन्ने बच्चे है जो ये करते हैं टेस्ट पास करते हैं बैठते उस कुर्सी से यदा मतलब की है वह जो औखी हो फिर तो कोई कर ही ना पावे यदा मतलब औखी नहीं है पर तू उन्नी मेहनत करने वास्ते खुद को तैयार ही नहीं किया। और जिदा कोई बैट्समैन कहे अब ग्राउंड में छक्का मारना बड़ा औखा है तो कई जान छक्के मार के चले जान तो दूजा कहे भाई औखा ही है तो भाई अगर एक बैट्समैन आके छक्का मार सकता है तो तू क्यों नहीं मार सकता है मतलब उन्हें मेहनत की है पर तू हाले उन्नी प्रैक्टिस कह दो की नहीं है कमी कह दी है ग्राउंड की है या बंदे की अपनी है। हूँ सामने एक निशाना है फर्ज करो इतने एक निशाना ला दिता जाए और तुहाडे हाथ कोई बंदूक या कोई तीर फड़ा दिता जाए कि गब्बे निशाना लाना है बोलो समझ दिओ कि नहीं हूँ तुसी खड़ के निशाना मारो तो कहो निशाना बड़ा औखा है ये नहीं हो सकता दादा बाकी निशाना औखा है उत्थे तुहानू ये नहीं कहना चाहिए कि निशाना औखा है ये हो नहीं सकता बल्कि तुहानू कहना चाहिए है निशाना तो सौखा ही है हाले मैनू प्रैक्टिस करन दी लोड़ है औखा कुछ नहीं है औखे तो औखा काम भी औखा नहीं है बस सानू मेहनत करन दी लोड़ है क्योंकि प्रैक्टिस करूंगा। हुण कई असीं सर्कस विच भी देखे है
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਲੂਨ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਲੂਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੇਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਵੀ 20-25 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗਣਾ ਤਾਂ ਜਾਗ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਹੁਣ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਓ, 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ, 50x50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ 50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਧੇਰਾ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੁੜਾਉਣ ਦਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੀਪਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੀਪਕ ਜਗਾਓ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਨੀ ਅੰਧੇਰਾ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚਿਰਾਗ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਰਹਿਮਤ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ,
एक बार एक ना इंसान उन्होंने को आ गया तो आके उन्हें बेनती की कि महाराज मैनू अखा की रोशनी दियो कि मैं सुनिया तुसी परमेश्वर के पुत्र हो यानी क्योंकि असि सारे ईश्वर के बच्चे हैं कहते एक पिता एक सी हम बारक गुरबाणी च भी यह लाइन आती कि कोई साडा पिता है सानू जीवन देने वाला जन्म देने वाला समझते हो कि नहीं ओदे बच्चे हैं असि इसलिए इतने यही गल नहीं कि जीजस ही अपने आप को कहते सानू भी कहते कि तुसी सारे ईश्वर की संतान हो और जे ईश्वर साडे नाल है तो फिर किसी चीज तो डरन की सानू क्योंकि जिदे नाल बादशाह होवे उहनू किसी होर चीज का डर की क्योंकि पूरी सियासत तो ओहदी है रियासत तो ओहदी है पूरी समझ आ रही कि नहीं इसलिए वो कहते कि मैं ईश्वर का बच्चा हाँ और तुसी भी ईश्वर के बच्चे हो पर मैं जान लिया है कि मेरा पिता कौन है तो हाले तक तुसी जानिया नहीं है यह इदा ही है जिदा एक बाप के दो भरा बच्चे हूँ यानी दो भरा एक बाप के दो बेटे वो दो भरा है हूँ एक दी ज्यादा चली जाए यादाश्त का मतलब समझ लो याद भुल गया और दूजे की यादाश्त है हूँ दोनों अगर बाप के सामने खड़ा किया जाए तो एक पता है मेरा बाप है दूजा कहता है कौन है मैं तो पता नहीं बारे हालांकि है वह भी ओदा पिता ही पर यादाश्त जान करके वो समझ ना होण करके ज्ञान ना होण करके वो कहता है कौन अजनबी है मैनू मैं नहीं पछाणदा इहनू पर जिदा ही ओदी यादाश्त वापस आती है कोई सट दबाग ते लगती है यादाश्त वापस आती फिर पता लगता कि मैं तो इहदा बच्चा है मेरा पिता है बस इसी तरह अज इंसान के दिमाग से भी इदा की कोई बुराई की सट लगी हुई है कि बंदा भी भुल गया कि मेरा पिता कौन समझते हो कि नहीं असं भुल के बैठे हैं असं अपनी गल नहीं कर रहे थोड़ी गल कर रहे हैं क्योंकि सब तो जिद जीजस ने कहा अं तो जान लिया मैं जान लिया इसलिए मैं कह रहा हाँ पर तुम हाले वो कहते जाने नहीं है हो तुम भी औलाद इतने यही गल है उसे तो अभी दो भरावान की गल की इतने कह लिए कि जे अब दुनिया के 7 अरब लोग है ना तो अभी कहो 7 अरब भरावान की गल है कि जिन्हों चो चंद ऐसे है जिन्होंने जान लिया कि साडा पिता कौन है तो बाकिया की यादाश्त हाले गुआची हुई है उन्होंने ज्ञान ही है नहीं वो समझते नहीं कि साडा पिता कौन है ता ही तो एक दूजे नाल लड़ी जाते हैं जाता धर्म लैके भेदभाव लैके ऊंच नीच न लैके तेरी कौम हो तेरी जात हो तेरा धर्म हो तेरा मजहब हो वो आपस में लड़ी जाते हैं और जलो अकल टिकाने आ गई ना वो यादाश्त वापस आई फिर तुम हसना कि कोई पिता के बच्चे से है नहीं लड़ी जाते झगड़ी जाते इसलिए सानू दिन रात सत्संग शब्द की सट मारनी पैंती है ताकि तुम्हारी यादाश्त वापस आ जाए हम तुम्हारी आई कि नहीं सानू नहीं पता पर कोशिश है कि जारी रखनी है कि तुहानू याद आ जाए तुसी हो कौन ताही तो असी कई बार दसी ना मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल कि तुसी जोत दे यानी परमात्मा नू जोत किया गया है उहदे प्रकाश हो तुसी उहदे प्रकाश तो बने हो वह कहते अपनी हकीकत नू पहचानो की बन के बैठे हो तुसी अब अपना अही देखी जाओ कि मेरे सिर ते पगड़ी है तो मैं सिख हाँ मेरे सिर ते टोपी है तो मैं मुसलमान हाँ मेरे मथे तिलक है तो मैं पंडित हो गया यानी हिंदू हो गया ये गल क्रॉस है तो मैं ईसाई हो गया भुल गए ये शरीर के पहरावे देख के किड़े झगड़े च पै गए हो अंदर देखो जोत कि जगमगा रही है ये प्रकाश कि अंदर थोड़े काम कर रहा है जो वो याद आ गया तो बाहरले पेश बाहरले झगड़े बाहरले फर्क ये जड़े तेरे मेरे दे भेद है सारी खत्म हो जाएंगे फिर तो बंदे कहते तू भी भरा मैं भी भरा और भरावा झगड़ा ही कहता भाई फिर उत्थे पेश यानी वस्त्रा नू लैके कोई भेदभाव नहीं होएगा कि तेरे कपड़े इतना जरा मेरे कपड़े इतना क्योंकि फर्क तो यही होंगे जवाब दो सानू सारे नहीं तो एक सवाल का जवाब दो हम फर्द करो एक बंदा अपने आप नू कहिंदा मैं हिंदू हाँ बोलो समझते हो कि हिंदू है हूँ वह जाता है एक लैबोरेटरी के अंदर लैबोरेटरी समझते हो तुम जिसे ब्लड टेस्ट होता है वो कहे मैं हिंदू हाँ मेरा ब्लड टेस्ट करो कि ब्लड है हूँ वह कहे फर्ज करो लैबोरेटरी वाला रिपोर्ट दिता है भाई तेरी शुगर 120 है ब्लड ग्रुप तेरा बी पॉजिटिव है समझते हो करो ब्लड ग्रुप तेरा बी पॉजिटिव है शुगर तेरी 120 है और बाकी जो भी वो अंदर सारा दसे इन्ना इन्ना हूँ फर्ज करो सवेरे जो उन्हें कहा मैं हिंदू हाँ मेरी स्किन का रंग की है उन्हें कहता तेरी स्किन का रंग गोरा है तेरी हाइट कितनी है तेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है वजन कितना है वजन 75 किलो दस रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं समझाने की खातर हूँ सारा कुछ लैबोरेटरी वाले दसता उन्होंने हूँ वो सवेरे हिंदू है पर शाम को कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए तो फिर जाए लैबोरेटरी वाले को आप भाई जरा चेक करी दोबारा मेरा ब्लड ग्रुप कितना है मेरी वेट मेरा हाइट कितनी है मेरा वेट कितना है मेरी स्किन का रंग की है वो बड़ा पालना सवेरे तक करा दिया उनकी वो नहीं सवेरे में हिंदू से मुसलमान बन गया
मैं देखना चाहता कुछ चेंज होया कि नहीं, कुछ बदलिया मेरे च, मेरा ब्लड ग्रुप बदल गया, मेरी हाइट बदल गई, मेरी स्किन का रंग बदल गया, बदलिया मेरे अंदर कुछ, मेरी शुगर घटी बदली कुछ, सिर्फ नाम चेंज करन ना, सवेरे में शर्मा सी हूं मैं खान हो गया, बोलो समझ योग नहीं। इसलिए तो वो लबोरेटरी वाला हैरान होएगा, भाई ये नाम बदलने नाल तेरी स्किन का रंग कितना बदलेगा, तेरा ब्लड ग्रुप कितना बदलेगा। तो फिर उत्थे असीं इक्को ही गल कह सकते हैं कि इहदा मतलब की है कि सवेरे हिंदू सी, शाम नूं तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तो बदलिया की ना, तेरा खून बदलिया, ना तेरी चमड़ी बदली, ना तेरा वजन बदलिया, ना तेरी हाइट बदली, बदलिया की बस तेरी सोच ही बदली कि मैं हिंदू सी हुण मुसलमान हो गया। बोलो समझ दिओ अपनी। इसलिए तो एक ना अजकल तुहानूं पता ड्राई फ्रूट रखे जाते हैं, कितने भी असीं चले जाइए तो ड्राई फ्रूट प्लेट च पा के रखे जाते हैं। एक जगह ना असीं गए तो कुछ खजूर रखिया हुई सी, तो नारियल की गिरी कढ़ के रखी हुई थी। बोलो समझ दिओ अपनी। नारियल की गिरी समझते हो ना, नारियल जो गिरी निकलती है जो टूटी टाइप भी कह देंगे, और नारियल की गिरी रखी सी, खजूर रखिया सी, कुछ बादाम रखे सी, कुछ अखरोट रखे से प्लेट के पा के अं देखा, एक शुकर है इन्होंने कितने अकल नहीं लड़ी जाना सी। बोलो समझ दिओ अपनी। पता क्यों लड़ना सी, हम दस दईए उन्होंने सोचना ही मेवे भी, मेवे कह देंगे इन्होंने चीजा कट्ठिया हो जाए ना, कितने मेवे पे ड्राई फ्रूट पे, इन पंजाबी मेवे कह देंगे, समझ दिओ अपनी, सुके मेवे जिदा कह देंगे, कहते हैं हूँ आप मेवे कह दिए ड्राई फ्रूट कह देंगे। चलो कि ड्राई फ्रूट भी जे देखकर हैरान हो गए, ड्राई फ्रूट भी जे देखकर हैरान हो गए कि नारियल कब से हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए, क्योंकि नारियल कह देना हिंदुआ का फल, इसलिए वह नारियल हिंदू मंदिर जाके फोड़ के प्रसाद लेंदे है, तो खजूर का किनू कहा जाता मुसलमाना का, भाई अरब कंट्रिया बहुत खजूर होंगे है, यह तो मुसलमान रोजिया वेले खाते है, तो कहते दोनों कट्ठे रख दो लड़ोंगे, और तू हिंदू मेरे प्लेट की करता है, तू मुसलमान मेरी प्लेट की कर रहा, वह भी एक दूजे फसल गए नहीं, वह भी हैरान होंगे कि भाई वह सानू तो रब ने चंगे भले पेड़ा से लाया, इन्होंने सानू नहीं बख्शिया, सानू भी धर्म के रंग रख दिता, नारियल को हिंदू कह दिता, तो खजूर को मुसलमान कह दिता। इसलिए असं एक गल कही दी है कि मंदिर में दाना चुककर मस्जिद में पानी पीते हैं, मंदिर में दाना चुककर मस्जिद में पानी पीते हैं, अरे हम सबसे अच्छे तो ये परिंदे हैं जो बिना धर्म के जीते हैं। परिंदियां चिड़िया कावां घुग्गियां कबूतरां नूं कुछ नहीं पता, मंदिर च दाना चुक लैणगे उड़ के जाणगे, मस्जिद च पानी पी लैणगे, या मस्जिद च दाना चुक लैणगे मंदिर जाके पानी पी लैणगे, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि पता यह भी रब का घर है, वह भी रब का घर है, पर बंदे नूं कहो ना आ मंदिर का उल है, असीं मुसलमान मंदिर का प्रसाद कितने ले लईए, मैं सिख हो के मस्जिद कितना चला जावां, मैं ईसाई हो के घर का कितना खा लवां, तो फिर जरा जवाब दो, इदा के इंसानों नालों पंछी चंगे है कि नहीं, जो भाई भेदभाव करते नहीं है, वो ऐसे इंसान जो फर्क दिलों च लैके बैठे हैं, कहीं तो साफ कहां धरती के बोझ लगते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सानू दुनिया से भेजा है प्यार वधाउण नू, एक दूजे की हैल्प करन नू, एक दूजे की मदद करन नू, पर असी यह झूठे रंग अपने को चढ़ा के अज इंसानियत नालों टुट के दूर बैठे हैं, और जिहड़ी चीज एक इंसान नू इंसान नाल नहीं जुड़न दिंदी, वह इंसान नू भगवान नाल कितना जोड़ देगा। फुले शाह वर्गे प्रेमिया ने कह दिता मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ ढहदा, पर बंदे का दिल ना ढावी, दिल विच मौला कहते, दिल विच आ, दिल विच रब रहिंदा है, मंदिर मस्जिद च नहीं रब रहिंदा, रब तो बंदिया दे हर इंसान के अंदर रहता है, इसलिए रब ने कदों खुश होना है जो तू इदा की जिंदगी जिएगा कि जेदे च तू सब दी जीण विच मदद करे, हैल्प करे, सहायता करे, गिरे नूं उठावे, रोंदे नूं हसावे, जिथे तेनूं लगदा ते तेरी थोड़ी जी हैल्प करन नाल किसी दे जीवन च सुधार हो सकता है, किसी दा कुछ भला हो सकता है, ओ कर, क्योंकि कुदरत दा नियम ही इह है, सूरज चढ़ता है प्रकाश देण वास्ते, तां किन्नियां नूं प्रकाश मिलदा है, हवावां वगदियां सब नूं जीवन देण वास्ते किन्नियां नूं जीवन मिलता है, धरती सब नूं सहारा दे रही है, सब नूं अन्न जल दे रही है, जिहड़ी कुदरत दी हर चीज एक दूजे नूं सहायता दे रही है, एक दूजे दा भला कर रही है, एक बंदा ही है जिहड़ा दूजिआं दे बारे सोचण दी बजाए सिर्फ अपने बारे सोचदा, तां ही बंदा दुखी है, होर कोई चीज दुखी है नहीं, समझदे हो अपने।
ਬੰਧਨਾਂ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇੜ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ, ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ, ਬਦਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਹਾਈਟ ਉਹੀ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਸ਼ੂਗਰ ਉਹੀ ਹੈ 120, ਵਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ 75 ਕਿਲੋ, ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰਾ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਸ਼ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਟੀਚਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਮ ਫੜਦੇ ਰਹੋ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦੂਣੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ 2 ਦੂਣੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੱਟੀ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ, ਪਰ ਅਗਰ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਬਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਚ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਲੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਇਹ
देखता कि इंसान योग्य है या नहीं, योग्यता के हिसाब नाल ओदी लाइक दी ए लाइक है या नहीं, ए काबिल है या नहीं। अगर ए देख के मैं कुर्सी ते बिठा दा मेरा बेटा भी कह दियो हुण किसे नूं बस ना चलांदी चलानी आंदी होवे, उन्हें सरकारी बस चलानी है, बस आंदी नहीं चलानी, चलाई उन्हें कार ता कोई कहे 50,000 दे दे, 50,00,000 दे दे या लख दे दे ड्राइवर बन जा, रोज ही बैठी हुई अपनी घर आई ओदी, हुण जिहनूं बस चलानी नहीं आंदी ता की 1,00,000-1,50,000 रिश्वत दे के कुर्सी ते बैठण नाल 1,50,000 नूं ओह गुण पैदा करदा है उहदे अंदर। हुण बस किते खाई च सुट्टेगा किते मारेगा ता फिर पता लगदा, जदों अपने दा नुकसान हुंदा फिर बंदे नूं पता लगदा कि मेरी गलती नाल ही ए रब ने कुदरत ने फल मैनूं ही मेरी गलती दित्ता, जदों इत्थे अमलां दे हुणे ने ए मेरा ही अमल सी, 50,00,000 लै के या 15,00,000 लै के जिहड़े नलायक नूं मैं कुर्सी ते बिठाया सी ओह इस लायक नहीं सी कि किसे दा ऑपरेशन कर सके, किसे नूं दवाई दे सके, पर मेरे लालच ने ओहनूं कुर्सी ते पट वी दे दित्ती, तां ओह मेरे लालच नहीं मेरे बच्चे दी। अगर मैं उस वेले ये 15,00,000 लैन की बजाय देखता है योग्य है या नहीं, ये लायक है या नहीं, इन ऑपरेशन करना समझ है कि नहीं, तो फिर आज मेरा बच्चा भी जीव लूंगा। सो दसना की चाहते हैं ये कुदरत में जो ऐसी बुरा करते हैं ना ये घूम फिर के साढ़े तक आना जरूर है। ये एक बड़ी प्यारी कहानी है, कई बार दसी ने फिर दसना चाहवागे क्योंकि गल चली है कि सर्कल घूमता किदा है, साड़ी करनी साड़ी की आंधी किदा है। यह जाता है एक ना कंपनी का मालिक, एक कंपनी का मालिक सवेरे सवेरे घरों निकलिया, बड़ी परेशानी सी, कोई फाइल नहीं ओदी मिल रही सी, अपनी गलती ना फाइल कितने रख दिती नहीं मिली, तो गुस्से में अपने ऑफिस चला गया कि फाइल नहीं मिली, बड़े जरूरी डॉक्यूमेंट सी। जो ऑफिस पहुंचया अपने मैनेजर नूं बुलाया, फाइल आप रखी है पर बुलाया मैनेजर नूं, कोई फाइल कितने है, मेरी फाइल नहीं मिल रही। वो कहता सर मैं तुहानूं दे दित्ती सी, हम बॉस ने अपने थोड़ी कहना मैं गलत हाँ, क्योंकि मैं गलत हाँ बॉस का ना, इसलिए उन्होंने दबके मारे कि तेरी नलायकी की वजह फाइल फाइल नहीं मैनू मिल रही, यानी बड़े उन्होंने झाड़िया गुस्सा अपना सारा वो बेचारे मैनेजर से कर दिता। हूँ मैनेजर बड़ा हूँ बॉस में तो कुछ कह नहीं सकता सी, दुखी है हो गया बॉस के ऑफिस चो बाहर निकले कैबिन चो और बाहर निकल गया अपने कैबिन च आ गया, पर मन सोचने लगा मैं तो चंगी भली फाइल दी सी इन बॉस नूं पर पता नहीं रख के आप भुल गए मैंने एवं डांटी जाते, या तो मैं ना किया हो फिर तो मैं कहना कि गलती मेरी है, पर मैं तो अपना काम सही किया। हूँ गुस्सा उन्होंने भी आ गया कि मैंने सच्चे नूं एवं इन्होंने इन्ना बेइज्जत कर दिता, झिड़क मारी, गुस्से चो भी बैठा है क्योंकि बॉस का गुस्सा हूँ उत्ते कढ़ नहीं सकता जी, पर अंदर गुस्सा कितने ना कितने का होना कढ़ना ही है। जल में चपड़ासी आ गया चाह लैके, कहता सर चाह मंगाई सी लिया, बस कह दी जिते ही चाह लिया रखी जिते ही चाह पीने लगा काली काली गुस्से च कि बुल फर गया क्यों गर्म चाह सी नाल ही चुपड़ा सी आ चाह लै गया तत्ती तत्ती तवे वर गई मेरा मुंह सड़ गया दस्ता दिता गर्म नहीं गर्म है कम से कम ठंडी चाह लै गया बंदा कोई चाह जानी उन्हें झिड़का मारी अपना सारा उबाल और चपड़ासी ने करता चपड़ासी कहना कमाल की गल मेरा की कसूर अगे भी मैं इधर चाह लैके आना है अगे तो सब गर्म गर्म चाह लिया शावर ठंडी ना लिया करता गर्म लिया अज अज भी चाह उदा दी है पर अज मैंने एवं झिड़का मारे एवं बेइज्जती करती मेरी। हूँ चपड़ासी बेचारे गुस्सा आए तो मैनेजर को कुछ कह नहीं सकता पता इन कहता बोलिया तो मेरी नौकरी चली जानी है हूँ गुस्से को घुट लिया क्योंकि चपड़ासी का काम होता गेट पर खड़ना वो किसी होर को कुछ कह नहीं सकता जी पर सारा दिन ना गुस्सा अंदर ही बेइज्जती बहुत हुई बिना मतलब तो इन्नी बेइज्जती इन्ना मैं डांट सुननी पी गुस्से शाम को जो घर गया वो तो हम उन्हें गुस्सा कितने कटना है जो घर वाला घर आके ना उची उची बोले तो फिर उसने सोच ये ना सोचे करो मेरा मेरे गुस्सा आया ये बाहरली फर्स्ट स्टेशन जो बाहरली ना वो दिल के गुस्सा है कि मेरे ही कटो सुन लवा चुप करके कोई गल नहीं क्योंकि उन्होंने तो आवाज कितना कितने क्योंकि कुकर चो कहते ना गैस निकलेगी हवा निकलेगी तो ही ठीक है नहीं तो फट नहीं सकता हो जाता कि नहीं ये कुकर फटते भी खबर आई है कुकर फट गया ब्लास्ट हो गया क्योंकि उसकी सीटी नहीं बजी या गैस नहीं निकलने का मौका मिले अंदरों भाप नहीं निकली तो कुकर फट गया। इस करके जे घर वाला भी बाहरों आ गया आके गुस्से च बैठे या कुछ बोले तो अब उसने समझदार इंसान ही चुप कर जाए भी ये बाहरली भाप इतने निकल रही है क्योंकि बड़े ने किसी ने कुछ कहता कुछ सब तो बड़े ने किया है क्योंकि छोटे ने किया होगा तो उसे कट के आनी सी बड़े ना मतलब जिन्होंने मैं कह कुछ क्योंकि मेरे तो उच्ची पोस्ट है इस करके उसे समझदार इंसान हो जाता उन्हें चपरासी गया अंदर वो सारा गुस्सा जाके दरवाजा खड़काया तो घर वाली बेचारी आटा गुंदी पे सी हथां नूं आटा लगा सी जिन्हें देखिया और सोचा घर वाला आ गया हाथ धोंदी धोंदी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि दो चार
मिनट लग ही जाते हाथ धोन आटा लगा होंगे हाथ धो के आई दरवाजा खोलिया हाँ जी आ गए तुम वो इदा ही पै गया इन्ना टाइम दरवाजा खोलन है किन्नी देर तू मैं खड़वा रहा है चेक करो सीटी बजती रहती है जो कोई गाली कटे गुस्से च बोले तो उसने हम जो सत्संग सुनते समझ लो ये सीटी बज रही है ये अंदर भाप कट्ठी हुई थी बज लैन जो कि फट ही ना जाए फटन चंगा बच ही जाए अमी दी अपनी इसलिए गुस्सा नहीं करना उस वे बल्कि कन्ना जरूरी पालो या चुप करके बैठो या अंदर वो बोली जाए तुम अंदर राम राम जय मालिका दी जय मालिका दी जय मालिका दी अपना ध्यान ही कितने होर ले जाओ क्योंकि ये निकल जाए ठीक है तो अंदर रहेगी तो फिर फटना ही है क्योंकि जिसलो वो चीज अंदर रह जाती फिर उ चिंता टेंशन बीमारी बीपी हाई कई बीमारियों रूप से बम फटता फिर ये समझ लेना हूँ चपरासी ने घर ही कहता घर ही मैं सारा दिन मेहनत करती रही झाड़ू पोचा लाओ रोटी बनाओ तो आंदियां मैं कुछ किया भी नहीं इन्ना गुस्सा एवं मैंने डांट दिता हूँ उन्होंने गुस्सा चढ़िया कितने कटना से बच्चा को खेल रहा जहाज लगे कर रहा मोर की नंगी फड़िया चपेट मारी अब एयरपोर्ट जिते जहाज बनता फिर तू न्याणा बेचारा हैरान हो गया कमाल की गल पहला मेथे उड़ा रहा इन्नी देर की मम्मी किचन चाटा रोटी बना रही थी उदो कुछ गया नहीं हूं हूँ वो बड़ा बच्चा सी हूँ मम्मी तो कुछ कह नहीं सकता गुस्से च गया वह छोटा भरा खेलता पिया छोटे भरा ने खिची जाके चपेट मारी आ नहीं करता पे हर पिछे छोटा भरा देखिए ना मैं ना की बता लिया है मैं तो अपनी किताब लेके बैठा है इन्हें मैंने मार तो उन्होंने गुस्सा आया छोटा भरा ने की किया हम गौर कर छोटे भरा ने की किया छोटा भरा निकलिया करो बाहर गली ये कुत्ता बैठा दिया कुत्ते ने जोर मारा तुम्हारी जो कुत्ते ने जोर मारा तुम्हारी तो कुत्ता बेचारा चौं चौं करता दौड़ पिया हूँ कुत्ते सट लगती होगी डरदा दौड़ता है दौड़ता गया कुत्ता दौड़ता गया दौड़ता दौड़ता इतने पहुंचा सामने एक आदमी गड्डी खड़ी करके ना गड्डी उतर रहा सी कुत्ते ने जाके लत फड़ जो कुत्ते ने उसकी लत फड़ी उसने दंद मारे वो बंदा कह लगे मैं कुत्ते ना की बुला रहा जिन्हें ने मेरी लत फड़ ली हमें पता बंदा कौन सी एक कंपनी का मालिक सी इसने मैनेजर नूं कांटिया कह रहा है मैं कुत्ते का की बिगाड़िया सोचो बिगड़िया कितों पिछे ले जाओ सर्कल गल आनी शुरू कितों हुई थी कि शुरू हुई थी गल कंपनी के मालिक तो मालिक ने मैनेजर मैनेजर ने चपरासी चपरासी ने पत्नी पत्नी ने बड़े बेटे बड़े बेटे ने छोटे बेटे छोटे बेटे ने कुत्ते तो कुत्ते ने कंपनी के मालिक की लत न फड़ लिया हूँ कंपनी का मालिक कह रहा मैं तो की बिगाड़िया भाई तेन नहीं पता की बिगाड़िया पर कुदरत ने तेरा भेजा पार्सल तेन दे दिता क्योंकि शुरुआत तू ही की भेजिया घूम के तेरे तक हूँ उन्हें पता नहीं कि क्यों पर अगर तुम एक कहानी पिछे ला जाओ पता लग जाएगा शुरू कितों होया करम वह भुगतना भी इसलिए फिर कहे कि जो तुम किसी का बुरा करते हो ना तो तुम यह सोचते हो कि ला भी मैं बुरा करके मैं सुखी हो जाऊ नहीं एक दो दिन पंद्रह भी दिन महीने बाद जो थोड़ा कुछ बुरा होंगे तो समझ लो मैं पार्सल भेजा जो मुड़ के मेरे तक आ गया जरा हम गौर करना इसलिए चंगा जे चाहते हो खुशियां पार्सल आन तो फिर किसी खुशी दो ताही तो कहते नेकी करो तो उम्मीद ना रखो कि जब भी जरा हम गौर करना इतने गल कहनी चाहवा पॉइंट नोट कर लेना कि जो भी किसी ने नेकी करो तो ओरी उम्मीद उस इंसान तो ना रखो कई बार बंदा मैं तो भला किया मैं पूछे ही नहीं मैं तो वास्ते इन्ना किया इन्हें मेरी कदर ही नहीं की यदा मतलब अभी बंदे दे नाल नेकी करके बंदे को उम्मीदा रखते हैं नहीं गलत गल करते हैं तुसी नेकी करो और नेकी करन तो बाद ओदी उम्मीद उस इंसान तो ना रखो भुल जाओ उसनू ओदी उम्मीद अपने मालिक तो रखो क्योंकि इंसान बदला देगा अपनी हैसियत दे हिसाब ना देगा तो जो ओदी उम्मीद अपने मालिक तो रखांगे तो फिर अपनी रहमत दे हिसाब ना बदला देगा क्योंकि जेडी जिनी हैसियत होंगी देना भी होना और बंदा किन्ना दे सकता तो रब किन्ना दे सकता तुसी सोच भी नहीं सकते क्योंकि बंदे दी बोलो समझते हो कि नहीं बंदे की जेब इन्नी है तुम्हारी जेब च किन्ना का जाएगा बंदा कहे 10,000 पा लिया 20,000 पा लिया लख पा लिया बोलो समझते हो कि नहीं तो जे रब का भंडार देखिए तो वह कहते जेब आप ते वड तेरी दात
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। क्योंकि किसी की दुखों की बुनियाद पर तुम अपनी खुशियों का महल कभी खड़ा नहीं कर सकते। दूजे नु दुख दे के, दूजे नु तकलीफ दे के, दूजे ना हेरा फेरी करके, दूजे ना ठगी करके, दूजे का धन चोरी करके, दूजे ना माड़ा करके तुसी सोचो ये मेनू फायदा देगा, नहीं। जेड़ा माड़ा करता है उहदे नाल चंगा कदी हो ही नहीं सकता, माड़ा उहदा भी होना। अज कई बार कई आंदे जी फलाना अफसर रिश्वत लैंदा, तो रिश्वत तां तुसीं देखदे ते घर दे हालात भी कदी जाके देखो, उहदे न्याणे देख लियो, अदबुद्धि होणगे, अकल नहीं होणगी, समझ नहीं होएगी। क्योंकि जिद्दां दी इंसान कमाई खांदा ना, कहिंदे ना जैसा इंसान ने पानी पीना है, जिद्दां दा भोजन करना है, जीवन भी वैसा ही बनना है। हराम भी खावांगे, तैवी थोड़ी गुरुआं ने कहा हक पराया नानका उस सूअर सुदाए, गुरु पीर हम आता परे जा मुर्दार ना खाए। तो कहते गुरु रैबर भी उदा ही साथ दिंदे आ जिहदा किसे दा हक नहीं खांदा। तां जे असीं इधरों हक खाई जाइए, उधरों सोची जाइए ओ मेरा सतगुरु मैनू बचा लेगा या मैनू रब बचा लेगा, तां कहते इदां नहीं। क्योंकि रब भी उन्हों का साथ दिता है जेडे दूजिया का भला करते हैं, जेडे दूजिया की हैल्प करने की, दूजिया की मदद करने की भावना रखते हैं, कुदरत भी उन्हों का साथ दिंदी है। इसलिए यह सब तो बड़ा नुकता दसिया है तुहानू कि अज तो अगर अपना भला चाहते हो तो यह कोशिश करो, क्योंकि सानू उ रिटर्न मिलता जो असी दूजे को देंगे। अगर प्यार देवे तो प्यार मिलेगा, इज्जत देवे रिस्पैक्ट देवे रिस्पैक्ट मिलेगी, किसी बेइज्जत करा तो अगे भी उन्हें बेइज्जती करनी है। कभी होया कि तुम किसी गाल कट दो, अगला कहेगा ठीक है भाजी सत वचन, वह भी गाल कट के गल करेगा। अजे तुम हाथ जोड़ के बुलाओगे नमस्ते जी होर जी की हाल है, अगला जिदा मर्जी हो हाथ जोड़ के बुलाएगा, तुम हाथ भी ना भी जोड़े पर कम से कम प्यार जवाब तो देगा, हाँ जी मैं ठीक है जी, समझ आ रही है। इस करके इज्जत करांगे तो इज्जत पावांगे, प्रेम करांगे तो प्रेम पावांगे, खुशियां बंडांगे तो खुशियां पावांगे, और फकीरां दी सोबत में आके बैठांगे, संतां दी सोबत करांगे तो फिर ही रब दीआं रहमतां भी सानू हासिल होणगीआं, क्योंकि जिथे जो है उथे उही मिलना है। गुड़ खावांगे तो मिठा ही मिलना है, मिठास ही आनी है, नमकीन चीज खावांगे तो मुंह नमकीन ही होना है, अगर खट्टी खावांगे नींबू चूसांगे तो फिर मुंह खट्टा ही होना, दथना की चाहते जिहदे कोल जो है ना उहदे कोल उही मिलना है, गुड़ दे कोलों मिठास ही मिलनी उत्थे कड़वापन नहीं होना। इसी तरह जे प्रेम शरदा नाल चल के असीं गुरुआं रहबरां फकीरां दी संगत विच जांदे आ, सत्संग च बहिंदे आ, तो उत्थे रब दीआं रहमतां है, उत्थे रब दीआं रहमतां दे भंडार है, खुशियां दे भंडार है, फिर ही इंसान दे जीवन च खुशियां आंदियां है। तां जे बंदा सोचे कि सत्संग जाण दी बजाए यह मैनूं खुशियां कितें शोरूमां चों मिल जाणियां, तां शोरूमां चों साजो समान जरूर मिल जाएगा, अच्छे बिस्तर, अच्छे कपड़े, अच्छे होर चीज़ां साजो समान घर दे विच ना उह सारा कुछ मिल जाए, पर बरकत खुशी तंदुरुस्ती सुख शांति शोरूमां चो नहीं, ये जो संत फकीर को बह के रब दीआं रहमतां हासिल करांगे फिर ही मिलनियां है। बोलो समझदे हो? इसलिए हम समझाने तो बहुत कुछ है, पर जिदा दसिया कि शाम की पार्टी भी है, प्रोग्राम भी है, काफी गिनती संगत पहुंच रही है, और फिर दसवें कितने होर शायद प्रोग्राम होंगे तो पोस्टपोन कर देंगे, पर हम की करिए, लोधी माजरा जी बना प्यार ही बड़ा है, ठीक है, तुम्हारी जल्दी आ गई है पर कैंसल नहीं करना, क्योंकि अचानक ही हफ्ता दस दिन पहले ही तुम्हें पता है कि बच्चों की गल मननी पैंती है, तुहानी साड़ी बेटी 8 साल की उन्हें जिद की नहीं मैं पार्टी करनी करनी है, क्या ठीक है पुत्र जरूर, और जिदा दसी रहे मालिक का घर है जिथे किसी का दिल दुखाया नहीं जाता। इसलिए मैंने सोचे इसी बहाने संगत इकट्ठी हो जाएगी, वह भी आनंद ले लेंगे, और आनंद बनने तो दुनिया से आए हैं, खुशियां के रंग भरने तो दुनिया से आए हैं, इसलिए बहाना लभद रहे थे किस तरह तुहाडे जीवन च खुशियां दे प्यार दे मालिक की रहमत के रंग भर दईए। बस जरिया होंदा चाहे सत्संग जरिया बन जाए, चाहे कोई इस तरह होर प्रोग्राम जरिया बन जाए, बस एक ही गल तुहानू कहांगे जदों मौका मिले पहुंच जरूर जाया करो, फिर साडा वचन है कि अगर प्रेम नाल आओगे तो बहुत कुछ लैके जाओगे, कभी खाली नहीं जाओगे। इसलिए हम टाइम काफी हो गया है, सो अच्छाई नाल जुड़ो, जे रब दी रहमत हासिल करनी है तो अपने मालिक ते विश्वास रखो कि मेरा मालिक मेरे नाल, मेरा मालिक मेरे नाल, मेरा मालिक मेरे नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, हुण तुहानूं यकीन अपने मालिक ते, फिर देखो वो मालिक साडे नाल ते रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, मैं रहमत नाल भरपूर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।
ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 11ਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਫਿਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਅੰਬ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਸ਼ਹਿਰ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 13 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅੰਬ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ। ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਵਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटिया शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।